हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका। वाओ वाहित। जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। फिर से होना, यही सवाल है। बुक ऑफ विजन। मैं आप देख सकती हूँ, मेरा प्यारा बेटा, मौत सिर्फ एक धूम्रपान है। तुम्हें बस अपने हाथों को आगे बढ़ाना है और तुम उन्हें पाओगे जिन्हें तुम प्यार करते हो। हाँ, यहाँ मैंने उसे पाया। हेलो। हेलो। हाय, मैं स्टीलन तुम्हारा क्यूरेटर हूँ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जरूर। तुम्हारा शुक्रिया। चाबियाँ ये लाइब्रेरी के लिए हैं, यह म्यूजियम के लिए, और कभी भी जा सकती हो। और ये कॉफी मशीन के लिए है। शुक्रिया। इनिशिएट मेडिसिन यहाँ पे है। रिबर्थ। और लाइब्रेरी में हमारे पास प्री कोलंबियन शैमनिक मेडिसिन पर किताबें हैं। लेकिन मैं ज्यादातर 18 सेंचुरी पर ध्यान दे रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन देखो क्या बच्चा है, देखो। ओके। देखो तो। मुझे माफ करना, मेरे पास समय नहीं है तुम्हें 18th सेंचुरी दिखाने का, लेकिन वो हॉल के एंड में ही है। ओह। ठीक है। ठीक है।
गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें वन एक्स बैट्स। टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से दिल पर दबाव बढ़ रहा है। इससे एक और दिक्कत हो सकती है। शायद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पहले से ही हूँ। हाँ तुम हो। टेलन डोनट्स और एक कॉफी। हे सुनो जरा आओ। मैं घर को लेकर थोड़ा शर्मिंदा हूँ। मैं थका हुआ था और थोड़ा जल्दी में था। तुम्हें मेरे चारों ओर कूदने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो तुम मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हो है ना? यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडन से। बहुत अच्छी बात है। डिप्लोमा का टॉपिक था बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन ऑनकोलॉजी पर। तुम एक सर्जन बने और फिर उन्होंने सब कुछ त्यागने का एक अजीब फैसला किया और उस डॉक्टर के बारे में पढ़ो जो 18वीं सेंचुरी में रशिया के किनारों पर रहता था। और इसमें अजीब क्या है? अच्छा मुझे कहना होगा, ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ डॉक्टर अनमाउथ? क्यों? मैं समझना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने मरीजों को सुनना क्यों बंद कर दिया। हमने उनके सपनों और सेंसेशन को मात देना बंद कर दिया है। 19वीं सदी तक सब कुछ अलग था और मैं डॉक्टर अनमाउथ के काम में सबूत ढूंढ रही हूँ। 18वीं सेंचुरी में कमरे में एनाटॉमिकल मॉडल्स एकदम परफेक्ट है। उस समय एनाटॉमी फिर बहुत आगे निकल गई। मानव शरीर हर डिटेल में फिर से बन सकता है, लेकिन तभी डॉक्टर ने मरीजों में लोगों को देखना बंद कर दिया है और मानव के शरीर से ही डील कर रहा है। शरीर एक चीज बन गया है, एक खेल का मैदान बन गया है। हम गहराई में क्यों नहीं देखते हैं? हे, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आओ। अभी? हाँ। ये कलेक्शन की सबसे कीमती किताब है। ये लो। एनमुट पेशेंट्स की हजारों कहानियां हैं इसमें, उसके द्वारा रिकॉर्ड की गई। मेडिकल नोट्स की एक बढ़िया कॉपी, अनोखी है। मैं
किताब के केसेस और जो इम्पोर्टेंट लोगों के साथ उन्होंने किया है उसके बीच कनेक्शन ढूंढ रहा हूँ। और यही है नहीं, वो कहीं मिलते हैं लेकिन मुझे अभी वो पता नहीं है। तुम करोगी शायद? हाँ, माफ करना। हाँ, सब कुछ ठीक है। इवा, ठीक हो ना? हाँ। मुझे तुम्हारी चिंता थी, कल तुम ऐसे ही भाग गई। क्या इनके कोई नाम है? हाँ। क्या? ये अलेक्जेंडर है। ओ, लड़का? हाँ। और ये टीना है। डरो मत। यहाँ पर चतना होती तो ये कहाँ उड़ते? करीब है और जल्दी ही मुझे ढूंढ लेगी। हम सब कुछ ही पेजेस में से आते हैं। अप्रैल 1719 को मेरी यंग मेडल मरिया को जन्म देने वाली थी। उसने पहले ही इसका सपना देखा था। वो दर्द में थी और मैंने उसे मूंगा पाउडर दिया, लेकिन दर्द तेज हो गया। मैं आमतौर पर बच्चे के जन्म में शामिल नहीं होती, लेकिन मुझे मरिया से प्यार था इसलिए मैंने उसकी मदद की। उसने बानी में जन्म दिया क्योंकि ये जल्दी करना ही जरूरी था और ध्यान भी चाहिए था। नहीं, यह ठीक है मारिया। नो, 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 चलो नो, नो, सब ठीक है। यह बच्चा नहीं है मारिया। मुझे समझ नहीं आया, मरिया ने अच्छे से खाया था, उन लड़कियों जैसे नहीं जिसके पास खाना नहीं होता। सब ठीक है। जब नेचर ने यूट्रस के कंटेंट्स बताए समय से पहले, इसे तो ग्रीक शब्द एम्बोसिस कहते हैं, ग्रीक में बेल पर कलियों की तरह होता है जो नई टहनियों को बढ़ने से पहले ही जड़ जाते हैं। मारिया के सपनों में एक बिल्कुल अलग तस्वीर थी, नॉर्मल लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी। सपने कभी कभी डॉक्टर को कंफ्यूज करते हैं। मैंने इसे कुछ साल पहले सीखा था एलिजाबेथ वॉन आवर बैच की वजह से, टेकलेनबर्ग के गवर्नर की पत्नी। मेरा दिल धड़क रहा था, मेरे कानों में तेजी से खून बह गया, सब कुछ लाल था और घूम रहा था, और फिर मैं बेहोश हो गई।
ऐसा सपना प्रेगनेंसी वाली औरत के साथ हो सकता है। बुखार के बजाय ये शायद ही संभव है। मेरा पति के बड़े सपने हैं, कुछ कर्तव्य भी। मिलिट्री करियर बनने वाले किसी व्यक्ति के लिए साल एक दिन की तरह बीत जाते हैं। उसका राज्य के भविष्य के बारे में सोचना उचित होगा। उसका परिवार नहीं है। मैं अब ये समझ चुकी हूँ, भले ही मेरा आर्ट ऑफ लिटरेचर डेडिकेटेड फैमिली में जन्म हुआ हो, आर्ट ऑफ वॉर में शायद इसलिए मेरे सपने इतने अजीब हैं। सिर्फ स्प्रिंग में ही फल बढ़ते हैं। बगीचे के पानी और धूप से, और ये फल बढ़ते हैं छाया में, और ये फल बढ़ते हैं छाया में। लेकिन मेरे लिए साल का कोई समय नहीं होता जब प्यार रुकता है। तब से मेरा एक हिस्सा उसके रूम में बस गया है। इसको नीचे रखो, इसे पढ़ो। क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे मिस्टर लैंडवेयर? हाँ मैडम, आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, मैं काफी दिनों से कुछ सोच रहा था। मुझे लगता है कि मिस्टर गुंटर बहुत ही गिफ्टेड है। उनको पूरे ध्यान की जरूरत है, खासकर लैटिन और फिलॉसफी में। बढ़िया होगा अगर यंग मास्टर वैलेंटाइन को और कोई ट्यूटर इंस्ट्रक्ट करे। मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इस तरह से मैं खुद को पूरी तरह से गंथर पर ध्यान दे पाऊंगा, क्योंकि स्पेशल एफर्ट की जरूरत है। वैलेंटाइन, क्या कहना है? ठीक है मामा, और ट्यूटर से बदबू आती है। आपकी एडवाइस बहुत अच्छी थी मिस्टर लैंडवेयर। गुंथर की सफलता मुझे खुश करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं वैलेंटाइन सहमत है, हम नया ट्यूटर ढूंढना शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि मेरी रिक्वेस्ट सुनी गई मैम। ऑनर्ड मैडम। ये तुम्हारे लिए है मिस्टर वैलेंटाइन, सिर्फ पढ़ना है बिना डिस्ट्रक्शन के। क्या आपने मोमबत्तियां जलाई? वेलकम होम हैंस। धन्यवाद एलिजाबेथ।
लेकिन मैं यहाँ लंबे समय के लिए नहीं हूँ। आपका यहाँ आना और इम्पोर्टेंट है, मुझे कुछ बताना है। इस समर में आपका तीसरा बेटा पैदा होगा। ये सुनकर खुशी हुई एलिजाबेथ। मैंने जॉन एनमुच की मदद के लिए एक नए डॉक्टर को हायर किया है। वो डॉक्टर उसके कुछ केसेस लेगा, ठीक है? और साथ ही जो तुमने मुझे इतनी बढ़िया न्यूज दी है वो तुम्हारा ध्यान रखेगा जब तक बच्चा ना हो जाए। लेकिन जोहन ने दोनों बेटों के जन्म देने में मेरी मदद की। ये परिवार अब जोहन एनमुच की सेवाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। प्लीज एलिजाबेथ मेरी बात सुनो, मेरे फैसले को इनकार मत करो। मेरे बेटे ठीक है। क्या? मेरे बेटे ठीक है, वो पेड़ पर है। क्या बोल रही हो? उदास मत हो, अब ये खून नहीं बल्कि राल है। मारिया सुनो, तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसे बोलकर वो जो कुछ तुम्हारे बारे में बोलते हैं तुम उन्हें सच्चा बना देती हो। मुझसे बात करते हैं वो मरे हुए लोग। मारिया, उन्हें मृत कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीना बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वे क्या है, लेकिन वे कहते हैं। ج
क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कैसीनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। वैलेंटाइन, तुम्हें यहाँ कौन लाया? मरिया। अच्छा, तुम्हें देखकर खुशी हुई। तुम बड़े हो गए हो। ये कौन है? ये मैं हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मैं था। आ जाओ साथ में, देखते हैं कि क्या हम तस्वीर बना सकते हैं। अरे तुम, मास्टर आ रहे हैं। क्या तुम बहरे हो? गुंथर, यहीं पर रुको। जनरल वार्म ओवर बैग प्लीज। आप यहां कैसे आए? दुर्भाग्य से टेकलिनबर्ग में कुछ अशांति थी और उनके साथ अफवाहें फैलने लगी। इग्नोरेंस और अंधविश्वास का फल। ज्यादातर वो जादू टोना की बात करते थे, उस श्राप के बारे में जिसके कारण औरत बच्चे नहीं है दे सकती। कहते हैं कि तुम्हारा खून इतना सही नहीं है। सबसे बेकार अफवाहों के अनुसार खून निकालना ही एक श्राप माना जाता है। यह सब बकवास है और मैं इसे बिल्कुल भी मानता नहीं हूं। हालांकि अफवाहें खतरा बन सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आपकी मेड, या जैसा कि लोग उसे जादूगरनी कहते हैं, कि पेट में तुम्हारा बच्चा था और ये कि इसे छुटकारा पाना आपके लिए फायदेमंद था। ध्यान रहे, मैं इस तरह की बकवास पर कभी विश्वास करूंगा ही नहीं। मारिया मेरे लिए अपनी बेटी की तरह है। मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूं अनमुत, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। आपने हमेशा ही मेरे परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद होता है कि
मारिया का ध्यान रखना एक बेकार मूव था बिल्कुल। उसके माता पिता मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे और मुझे अपने निर्णय के सही होने पर कोई शक नहीं है। क्या तुम उस लड़के से कह सकते हो कि मेरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ना छुए? गुंथर, मैं आपके इरादों को समझता हूं अनमोल, लेकिन मेरी इस देश के लोगों और किंग फ्रेडरिक विलियम की तरफ कोई जिम्मेदारी है। इन अफवाहों को खत्म किया जाना चाहिए। अंधविश्वास लोगों के दिमाग में काटता है और उन्हें कीड़े की तरह तेज कर देता है। जो रोड हम बना रहे हैं, हमारे छोटे से देश में एक नए एरा की शुरुआत होगी। इससे हम रशिया का पूरा हिस्सा बन जाएंगे, अंत में उसका कोई छोटा हिस्सा नहीं। आपको आराम चाहिए और इसलिए मैंने आपके लिए नया फिजिशियन हायर किया है, नील्स लिंडग्रेड। बढ़िया यंग लड़का, स्वीडन से है वो, जिसे स्वीडिश दरबार में काफी माना जाता है। ये कदम ही किंगडम का भविष्य बना रहे हैं। कोर्ट को शायद ये अजीब लगे, जनरल का परिवार सुरक्षित होना चाहिए, खासकर जब तक ये अफवाहें फैलना बंद नहीं होते। अब आपको हमारे घर आने की आवश्यकता नहीं है। लिंडग्रेड मेरी पत्नी और बच्चों का इलाज अच्छे से करेगा। कंथर, सब कुछ ठीक चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। दिन अच्छा रहे मैडम। जोहन अनमूत मूंगा पाउडर लिखेंगे। हाँ मैं जानता हूँ। आई नो। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। मुझे आपके प्रोसीजर्स को समझना है। अभी सर, तुमने मेरी पत्नी को छुआ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ठीक है? शरीर को छूकर ही बीमारी का पता चलता है सर, ऐसा ही होता है। ये बेशक गलत लगता होगा, लेकिन शायद अजीब भी लगता होगा, पर असल में फिजिशियन जांचते हैं मरीज को, और मानव शरीर को जांचना उनका काम होता है, जहाँ पूरी दुनिया छुपी हुई है। आपकी ही तरह सर, हम भी नई सड़क बना रहे हैं अभी। मुझसे हिम्मत की बात मत करो, तुम मेरी पत्नी की कीमत पर अपनी खोज करते हो, ठीक है? मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता सर, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मुझे उन प्रोसीजर्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे कोई तो मरीजों की परवाह नहीं है, मुझे उनके अंगों की परवाह है, और वो त्वचा के नीचे कैसे काम करते हैं। या तो तुम बदतमीज हो, या फिर कुछ और, या फिर तुम्हें अपने काम के बारे में बहुत कुछ पता है। सर, इस तरह तो बहुत सारा खून बह सकता है, और इसलिए घाव को दागना जरूरी है। मैं करता हूँ, मुझे दीजिए प्लीज। मिलेट सीड, हो गया। घुटनों के नीचे की त्वचा को काटना सबसे अच्छा तरीका है। खून बहता है, गंदा खून हट जाता है। एलिजाबेथ, जिस धरती में मैं चलता हूं, औरत अब नेचर के हिसाब से जन्म नहीं देती,
में मरिए भी है। वह मरे हुओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वे बोने के लिए बीज थे। वो सोचते हैं कि धरती एक पेट है जो सभी मरे हुए बच्चों को देती है। क्या यह सब सोचना चाहिए या फिर इन्हें हटाकर ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं पढ़ना रोक नहीं पाई। तुम वापस आ गई। इन्हें ले जाने देने के लिए शुक्रिया। अच्छा है। हाँ। देखो, हम बुक स्कैन कर रहे हैं। उसके पीछे पत्र है। और फिर हम एक एल्गोरिदम की मदद से हम एक लोकेशन निर्धारित कर सकते हैं। देखो इस तरह से इवेंट्स प्लेसेस नेम्स को सर्च कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। एक तरफ हमारे पास लेटर्स हैं इवेंट्स की लिस्ट के साथ में, देखो जरा, और दूसरी तरफ बुक उनके बारे में एक कहानी है। लेटर्स बढ़िया है, मैंने अनमोल के काम के बारे में बहुत कुछ जाना। ऐसा लगा कि मैं कविता से शरीर का रचना सीख रही हूँ। किताब त्वचा है और लेटर्स धड़कता हुआ दिल है। तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज पर घुस रहे हो। हम लोग पहले की तरह उस बढ़िया जगह पर दोबारा मिलेंगे। मुझे पता नहीं था कि आऊं या नहीं। मैं जानना चाहती थी कि आप कैसे हो। ऐसा लगता है कि कोई नया डॉक्टर अब आपके साथ काम कर रहा है। एलिजाबेथ, तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरा पति तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मैं डॉक्टर की नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैं बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ। मुझे एक महीने से खून नहीं आया है। वो गर्मियों में पैदा होगा। हाँ, लड़का महसूस कर सकती हूँ पहले जैसा ही। मेरे डॉक्टर तुम बने रहो, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। मैं नहीं कर सकता जोहान। मुझे जाना होगा। वैलेंटाइन कैसे हैं?
गजर आसमानों में रहता है। ब्यूटीफुल माइंड। खोजो 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 आगे 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 जल्दी जल्दी जल्दी। वैलेंटाइन, मेरे बेटे से दूर रहो। अब ऐसे भागने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तो तुम पेड़ काटना चाहते हो? क्योंकि जंगल से होकर रास्ता बनेगा। नहीं। चुप रहे डायन, वरना मैं तुझे भी बंद कर दूंगा। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो मैं देख लूंगा। ये डायन वैलेंटाइन के सर को बेवकूफ बना रही है, समझते हो? सच मानो तो ये कंपनी मेरे बेटे के लिए हानिकारक है। लड़का आसानी से प्रभावित होता है और अपनी माँ की तरह उसकी सोच एक खतरा है। कभी कभी मैं शायद ही उसे पहचान पाता हूँ। उसका दिमाग मजबूत नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। कुछ भी साफ नहीं, एकदम क्लीन नहीं। यह आपको धुंधला लगता है सर, जबकि वैलेंटाइन को बस थोड़ा बाहर है। क्या आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट को देखा है पाई गिलास से ज्यादा पास? यह धुंधला हो जाएगा और एक सपने जैसा लगेगा, और अगर उसे दूर से देखा जाए और फिर यह आकार लेगा और क्लियर रहेगा। वैलेंटाइन वहां देख रहा है, बहुत आगे, और आप सिर्फ वो देख सकते हैं जो आपके सामने है। पाइप की सहायता से देखना सीखो, हेनरिक वॉन ओवरबैक, और तुम अपने बेटे को क्लियर देखोगे। अब स्विम करो। देखो वैलेंटाइन, तब से मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए उसके रूह में बस गया।
समझ में नहीं आता, क्यों अनमोल की जगह एक यंग डॉक्टर ने ले ली? और अवरबॉक, वो एक स्पॉन्सर ने अपनी रिसर्च बंद क्यों कर दी? ये एनिशिएंट मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन का बदलाव बताता है यंग डॉक्टर लिंडग्रेन। एक बड़े शहर में पढ़ा और मेडिसिन के बारे में कुछ नया जाना मैंने। उसने सीमाओं को तोड़ा। दूसरी ओर अमनाउथ ने पास्ट रिप्रेजेंट किया। उसने चीजों के शरीर को छूना जरूरी नहीं समझा। उसने उनकी बात सुनी, ये सुनिश्चित करते हुए कि आत्मा शरीर को प्रभावित करती है। लेटर्स को फिर से पढ़ते हैं, हमें शायद कुछ याद आ रहा है। उस समय ड्रिंक के लिए भी चलें क्या? उसे तुम्हारे लिए विस्की। शुक्रिया। शुक्रिया। गुड इवनिंग, कैसा चल रहा है? ये आज शाम का जैम सेशन है, हम द वेलवेट अंडरग्राउंड को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। कोई है? मैं गाना चाहती हूँ। कैंडी सेस जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसे गाओ, हम इसे करते हैं। कैंडी सेस। जा सकते हो, तुम्हारी दोस्त ठीक है, वो सो रही है, तुम भी आराम करो। शुक्रिया। वेलकम बैक। रुको, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेहोश होना तुम्हारे लिए नॉर्मल है। सावधान रहें और हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। और अब तुम्हें कठोर निर्णय लेना होगा, बस इसे टाइट करो।
कितना बढ़िया दिन है। मैं अब तक 10 लोगों को बचा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ जल्दी पैसे मिलते हैं और बड़ी रकम हाथ आती है। 1xBet पर इतने ज्यादा पैसे जीते, पर ये चंद सिक्कों से ही मिल सकते हैं। 1xBet सट्टेबाजी की कंपनी। अंदर आओ। हाय। हाय। औरत हमेशा मेरे हाथों में बेहोश होती है। फूल कहाँ पर है? कुछ बेहतर है। मुझे माफ कर दो। शर्मिंदा क्यों हो रही हो तुम? चलो बस भूल जाते हैं। देखो शायद तुम सही नहीं हो, दिखाता हूँ तुम्हें, लेकिन अचानक जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया। बाय। मारिया, 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 क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? बिल्कुल, यहां बैठो लुडविक। उदास क्यों हो? मेरी मम्मी मर रही है। सच कहूं तो मैं इस बकवास में विश्वास नहीं करता, और मुझे नहीं पता ये तुम्हें कहां से मिला है, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। वो एक बेवकूफ औरत है, लेकिन भाग्य वास्तव में उसका साथ नहीं देता है। अब तुम यहाँ के लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते। मैंने नोटिस किया था, लिंडग्रेन तुम्हारा पीछा करता रहता है। लिंडग्रेन भाड़ में जाओ। मारिया सॉरी, लेकिन तुम्हारी माँ मर गई। मैंने आईने में देखा।
मैं चाहता हूं तुम रेस्ट करो, कुछ काम मत करो। कभी पूछे गुस्से किसको आपको बुक में होना चाहिए? ऑफिसर और उसकी फैमिली हमेशा याद करती जाएगी। हमेशा अच्छी ही याद करी जाएगी, जो कुछ उसने किया है उसके बावजूद। और मरे हुए मेरी मम्मी और बच्चे जैसे ऐसे ही भूल जाएंगे। और ऐसे समय में बोलना ज्यादा जरूरी है। जीवित और मरे हुए के बारे में बात करो, हमारी आत्मा को बर्बाद होने ना दो। जीवित और मृत के बारे में बात करो। मरिया प्लीज शांत हो जाओ। कोई मेरा नहीं सुनता। मैं मर जाऊंगी और कोई मार्ग नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा कोई इतिहास नहीं था। मेरी कहानी और मरे हुए लोगों की कहानी। हमारे आत्मा को हमसे दूर मत करो। मरिया, मैंने तुम्हें जाने से मना किया है। हमारा हेड फिजिशियन के साथ लंच है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मान गई। हमने किया। हाँ अच्छा है। हाँ वाह, तुम फास्ट हो। पक्का तुम्हारी दोस्त की वजह से। डॉक्टर मॉर्गन, ये वाह है। बहुत अच्छा। मिलकर अच्छा लगा। प्लीज अंदर आओ। लो चिम। चीयर्स। सो ईवा, जैसा कि मैं समझता हूँ, तुम्हारा हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्रांट है। तुम्हारा फील्ड क्या है? मैं एक इकोलॉजिस्ट थी हॉलैंड में, और अब मैंने मेडिसिन की हिस्ट्री को मेडिसिन हिस्ट्री पढ़ने का सोच रही हूँ। इंटरेस्टिंग। सच्ची वेस्ट, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बदलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, सभी के पास है, और जब बीमारी लगातार आसपास हो। लेकिन रुको, सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पास्ट में क्यों खोद रही हो, और उसे बढ़िया चैलेंज से लड़ो। क्या आपने खुद से पूछा है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस कितना आगे जाना चाहिए? मुझे लगता है कि ईवा का मतलब सिर्फ इतना है कि ईवा अपने लिए खुद बोल सकती है। तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना होगा, और महत्वपूर्ण समस्याओं को कैसे हल किया जाए जो अभी जरूरी। मुझे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्वेश्चन करना अच्छा लगता है, हमारे स्वभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सच में ये मेरा बिजनेस है। आमतौर पर प्रोफेसरों के साथ डिनर प्रेशर वाले ही होते हैं, लेकिन ये वाला काफी मनोरंजक निकला। क्यों? आप दोनों एक ओल्ड कपल की तरह लग रहे हो। तुम आज अच्छी थी। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। शुरू में मैं सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को देखता हूँ, और खेल की शुरुआत में बहस में नहीं पड़ता। मैं अपने विरोधियों को देखता हूँ और एंड के मैच में पॉइंट के लिए आता हूँ। और तुम पीछे क्यों रहोगे? मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। सरफेस पर सर्फिंग की तरह
तो मैं रह सकूं उसके साथ जिससे मैं प्यार करता हूं, जैसे कि तुम। बंद करो। बढ़िया स्टेलन। मेरा लकी दिन था। हाँ, तुम्हारे काफी लकी दिन हैं। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ईव वाली बात के लिए सॉरी। देखो, हेवा मेरी पेशेंट है। वो बीमार है, मुझे पता है। हाँ, वो प्रेग्नेंट भी है, तुम्हें पता है। नहीं नहीं नहीं, उसे अपनी प्रेगनेंसी बंद करनी होगी, नहीं तो बच्चा भी मर सकता है। और मैं तुमसे पूछूंगा, उसे समझने के लिए कहो ताकि वह जल्दी से। स्टेलन, स्टेलन, इनका असली मकसद कोई नहीं जान सकता। मैं कोई अपवाद नहीं। मुझे नहीं पता मुझे यह बुक लिखने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यक्ति जेंटल हो सकता है क्योंकि जेंटलनेस उसे अच्छी लगती है। दूसरा समझदार हो सकता है क्योंकि समझदारी अच्छी लगती है। और तीसरा एक शहीद है जिसे जला दिया गया क्योंकि उसका जलना ही नेचर है। हम कब कह सकते हैं कि हमारे इरादे नेक हैं? केवल जब हमारे एक्शंस नेचर का पार्ट ना हो। और हम कब पक्का हो सकते हैं कि एक्शंस हमारे नेचर में नहीं? केवल जब हम एक साथ दो विपरीत रास्तों पर चलते हैं। At once. Yeah, take care. See you.
डरो नहीं, हमारे पास आओ, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मर जाएगा। मारिया चुप मत रहो, मेरे साथ बात करो प्लीज। जो अच्छा लगे कहो, मैं सुनूंगा ईमानदारी से। मेरी मम्मी पेड़ से नीचे आ रही है, मैंने रोकने की कोशिश की, वो नहीं सुनती, वो मेरे पास आती है। मेरे कानों में फुसफुस आती है, घटना के बारे में बताती है, बच्चे के साथ, एक लड़के के साथ। वैलेंटाइन के साथ। सब कुछ जला दो, हर चीज, और दूसरी तरफ से भी। Thank you.
जिस दिन ग्रेटी को काटा गया था वैलेंटाइन और बैग की मृत्यु होगी। झील के पानी ने उसके शरीर को निगल लिया। मौत डूबने से हुई। टैलन, टैलन, क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? मैं कल पूरे दिन तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने अपना फोन बंद कर दिया था, लाइब्रेरी से एक किताब चुरा ली तुमने, पागल हो क्या? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, वहाँ है वो। मैंने ये एक सपना देखा, वैलेंटाइन की मृत्यु कैसे हुई। किताब मेरे सपने को बिल्कुल सही डिस्क्राइब करती है। इसे पढ़ो। नहीं। तुम महीनों से ये बुक पढ़ रही हो? नहीं, मैंने नहीं, खासकर बुक के आखिर में। क्या हुआ? तुम्हें सपनों की चिंता नहीं करनी चाहिए, करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मॉर्गन ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो मेरी मर्जी है। नहीं, तुम अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। मेरा बच्चा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम ठीक है। तुम पागल हो। देखो वैलेंटाइन, वैलेंटाइन, इसमें लिखा है कि मेरे बेटे की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने यह क्यों लिखा? हाँ, वो पागल हो रहा है सर। वो इस पागल औरत पर विश्वास करता है। उसने अपने विजन लिखने शुरू कर दिए। इस चुड़ैल ने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? चल जा बैठ, बिस्तर पर वापस जाओ, अभी कभी भी हो सकता है। ये कौन सी साजिश है? तुम्हें ये कहाँ से मिले? कोई बात नहीं मैडम, ये एक पागल आदमी का भ्रम है बस। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, स्वीटी, क्या हुआ मम्मी? कुछ भी नहीं बेटा, वैलेंटाइन अब घर नहीं छोड़ सकता। और तुम एक बार अपने भाई को देखो बस, और उसे प्यार करो। चिंता मत करो मम्मी, इस चाल के लिए अनमाउत को दंडित किया जाना चाहिए। तुम एग्जाम्पल हो ना? मुझे जाने दो। एलिजाबेथ रुको, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, मैं इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। एलिजाबेथ, नौकर, कोई है क्या? प्लीज प्लीज, सांस धीरे लीजिए। वो
सब कुछ जो हमने एक दूसरे से कभी नहीं कहा हमारे साथ रहेगा। हर कदम, हर गलती, हर रहस्य मुझे यहाँ लाया। मैं तुम्हारे प्यार के बिना नहीं रह सकती। तुम्हें रहना चाहिए। नहीं, जैसे आपने कल्पना की थी। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। महामहिम राजा फ्रेडरिक विल्हेम के आदेश से और जनरल हेनरिक वॉन की इच्छा से फिजिशियन जोहान अनमुट को एक्सकॉर्ट किया जाना चाहिए टेकलेनबर्ग किले के पागल खाने में। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, तुम नहीं कर सकते। नहीं मारिया। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं 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 मारिया। शांत रहो। नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं नहीं हाँ। जल्दी ही वो मुझसे मिलेगी जहाँ परछाई बढ़ती है। सैनिक कहेंगे कि वो बुखार से मरी। उनके दुश्मन बहुत खुश होंगे लेकिन वास्तव में कोई नहीं मरता। किसी न किसी रूप में वे उसे पहले से ले जा चुके हैं। वे किसे ले गए हैं? अनमौत, वो पागल है मरिया की तरह, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। मरिया सुंदर है। और उसके साथ तुम्हारा पेट पहले से ही काटा जा चुका है। ये सच नहीं है। प्लीज आकर देखो, तुम खुद देख सकते हो।
आंखें खोलो, खुली रखो, क्योंकि सांस लेने के लिए समय नहीं है, जगह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, बस समझदारी ही है। जब आप एक नए रास्ते पर कदम रखते हैं, बच्चा सही है, हमें सिजेरियन करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारा दिल ठीक करना होगा, और जितनी जल्दी हो सके। रोबोटिक सर्जरी सबसे कम दर्दनाक है, लेकिन यह अभी भी बहुत सीरियस। मुझे डर नहीं, अब और नहीं। हमारे बीच में ऐसा ही हुआ था, वो सब कुछ जो हमने एक दूसरे से नहीं कहा, हमारे साथ रहेगा, हर कदम, हर गलती, हर रहस्य मुझे यहाँ ले आया। हमारे सेंसर्स लोगों में जगह ढूंढ लेते हैं, विश्वास से हम नई दुनिया पाएंगे, और जिन्हें हम प्यार करते हैं। तुम बहुत मजबूत हो ईवा, काश मैं होता। तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस है, तुम्हें अकेले नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूं, और तुम मेरा एक हिस्सा हो। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। क्यों? ईवा, उसे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। उसने मुझसे झूठ बोला। लेकिन वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हें क्या पता है प्यार के बारे में? ठीक है, मैं वापस अस्पताल जाऊंगा। मैं डिवाइस पर बैठ जाऊंगा और उसकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे पक्का पता है, मैं जो भी करता हूँ प्यार से करता हूँ। तुम यहाँ बैठ सकते हो और सॉरी महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम ताकत और प्यार एक्सेप्ट कर सकते हो, जो जीवन में एक बार ही मिलता है, अगर तुम लकी हो तो। मेरा प्यारा जोहन, मैंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन में पूरी जिंदगी समा सकती हूँ। उसी दिन मेरा तीसरा बेटा इस दुनिया में आया, तुम्हें ले जाया गया, और वेलेंटीन लेकन टेकनबर में मरा हुआ मिला। कुछ भी सेम नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि तुम इन घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे कर पाए। शायद ये शक्ति मेरे पास होती, मैं थोड़ा कम लॉस्ट महसूस करती। अब तुम्हारे शब्द कहाँ है? रुको, माय लॉर्ड, मास्टर गुंथर।
मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए मम्मी। प्रेशर स्टेबल है। हमें कैमरे को थोड़ा हिलाने की जरूरत है। मास्टर मॉर्गन आपके सिग्नल पर। इस तरह, इस तरह। माय डियर एलिजाबेथ, एक इंसान, कोई भी साधारण जैसे मैं, मन को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं स्वर्ग की दुनिया को देखने के लिए। एक व्यक्ति में कुछ है जो दूसरे लोगों को जलन पहुंचाता है। पैरों का जमीन पर होते हुए आसमान में सर ले जाना। मेरा बेटा वैलेंटाइन मरा नहीं है, वह सिर्फ अपने पैरों के टिप पर खड़ा है और एक नए विजन के लिए जा रहा है। छोटे बच्चे